सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर स्थापित गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर जनपद सिद्धार्थनगर का 35वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सिद्धार्थनगर जिले का 35वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल, सदर विधायक श्याम धनी राही, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यालय के साड़ी तिराहे पर स्थापित महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ की गई। इसके बाद जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों ने कपिलवस्तु स्थित स्तूप पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और स्तूप की परिक्रमा कर गौतम बुद्ध के लिए दिए गए उपदेशों को याद किया गया। कपिलवस्तु में स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल रहे। आज सिद्धार्थनगर जो तथागत गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली रही हो, जहाँ उनके पिता श्री राजा सुद्धोधन की माँ यशोधरा के साथ 29 वर्षों तक उन्होंने बालकाल और अपना क्रीड़ा यहाँ किया हो और यहीं से उन्होंने वैराग्य लिया जो आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के संदेश के रूप में गया है, करुणा ममता शांति अहिंसा का। आज उसी तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे सिद्धार्थनगर जनपद का स्थापना दिवस है और हम उनके स्तूप पर खड़े होकर के भगवान बुद्ध को याद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के उन चीज़ों को कि जो बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम के रास्ते पे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति हो, विश्व में अहिंसा हो, और इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि पूरे विश्व में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्रीड़ास्थली का जनपद सिद्धार्थनगर आकांक्षी जनपद से विकसित जनपद हो। और इस स्थल पे जो बौद्ध भिक्षुओं का एक है कि इसको और विकसित किया जाए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी 24 करोड़ रुपया दिया है विपासना केंद्र के लिए और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय में दीप पुरी जी ने 10 करोड़ दिया है विपासना पार्क के लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।